हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसेल एग्जाम में असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल के लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और ये सभी क्वेश्चन मैंने प्रीवियस एग्जाम से सेलेक्ट किए हैं और इन सभी क्वेश्चन की आपके आने वाले एग्जाम में आने की काफ़ी संभावनाएं हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। इस वीडियो में हम 46 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। 45 क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में बता चुके हैं, वो भी आप हमारे चैनल की नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टीम नोजल कन्वर्ट, तो स्टीम नोजल परिवर्तित करता है, तो ये करता है भाप की ऊष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में। ठीक है, ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। हीट एनर्जी ऑफ स्टीम इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और जो भाप नोजल के हमेशा जो कंट होता है थ्रोट पर, वहाँ पर जो दाब होता है हमेशा उसे क्रिटिकल प्रेशर बोला जाता है, वो क्रिटिकल प्रेशर ही कहलाता है। नोजल जो भाप नोजल है उसके कंट पर जो दाब होता है वो क्रिटिकल प्रेशर कहलाता है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैं बता दूं क्वेश्चन क्या है। द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इन एमकेएस सिस्टम इज टेकन एज, तो स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर जो है एमकेएस सिस्टम में वो होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर के क्यूब। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज टेकन एज, तो वाटर की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो एक होती है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जबकि हमारे समुद्री जल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1.02 होती है, और उसके बाद जो पारे की आपेक्षिक घनत्व है या स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 13.6 होता है। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इन्हें भी आप याद करते चलिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि द एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू, तो एब्सोल्यूट प्रेशर जो इक्वल होता है वो एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर के इक्वल होता है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन और है, जब आपको गेज प्रेशर ना देकर वैक्यूम प्रेशर दिया गया हो तो तब हमारा जो एब्सोल्यूट प्रेशर है वो इक्वल हो जाएगा। एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर माइनस के वैक्यूम प्रेशर। ठीक है, तो तब हमारा माइनस यहाँ पर आ जाएगा। अगर गेज प्रेशर दिया है तो प्लस आ जाएगा, और वैक्यूम प्रेशर दिया है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी दोनों फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, ए पीजोमीटर ट्यूब इज़ यूज ओनली फॉर मेजरिंग, तो पीजोमीटर का जो यूज़ किया जाता है मेजरिंग करने के लिए वो मॉडरेट प्रेशर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मॉडरेट प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नौलीज इक्वेशन इज अप्लाइड टू, ठीक है, तो बर्नौली इक्वेशन किस पे अप्लाइड होती है, तो ये सब पर ही अप्लाइड होती है, वेंचुरीमीटर, ओरिफिस मीटर और पिटोट ट्यूब तीनों पर ही अप्लाई होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, यहाँ पर जो वेंचुरीमीटर है उसका प्रयोग है वर्टिकल हो या हॉरिजेंटल हो इंक्लाइंड पाइपों में डिस्चार्ज को मापने का काम इसका होता है। वेंचुरीमीटर डिस्चार्ज मापता है, उसके बाद ओरिफिस मीटर भी डिस्चार्ज को मापता है, और आपकी जो पिटोट नली है खुले चैनल में द्रव प्रवाह की गति को मापने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, पिटोट नली भी आपका हो गया। इन तीनों पर आपका बर्नौली इक्वेशन अप्लाइड होती है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डिफाइन, तो जो थर्मोडायनेमिक का सेकेंड लॉ वो क्या डिफाइन करता है, वो डिफाइन करता है एंट्रोपी को। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड लॉ एंट्रोपी को डिफाइन करता है, तो फर्स्ट और जीरोथ लॉ क्या डिफाइन करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। फर्स्ट लॉ करता है ऊर्जा संरक्षण के नियम को परिभाषित करता है, फर्स्ट लॉ, और जो जीरोथ लॉ है वो टेम्परेचर को डिफाइन करता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन व्हील एंड डिफरेंशियल एक्सल द वेलोसिटी रेशो इज गिवन बाय, ठीक है, व्हील और डिफरेंशियल एक्सल का जो वेलोसिटी रेशो होता है वो होता है 2d अपॉन d1 माइनस d2। तो सी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। जो फॉर्मूला दिया गया है 2d अपॉन d1 माइनस d2 सी ऑप्शन में, उसमें जो बड़ा d है हमारा वो व्हील का डायामीटर होता है, और जो d1 d2 जो है ये एक्सल का बड़ा और छोटा डाया होता है। ये एक्सल के अंदर ही दो डाया होते हैं, छोटा एंड बड़ा, और जो बड़ा डी है वो व्हील का डाया होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इसका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ये हो गया व्हील एंड डिफरेंशियल एक्सल के बीच में वेलोसिटी रेशो। अगर हम बात करें व्हील और एक्सल के बीच में वेलोसिटी रेशो, सिंपल व्हील एंड एक्सल, तो वहाँ पर जो आपका वेलोसिटी रेशो हो जाएगा VR इज इक्वल टू बड़ा डी अपॉन छोटा डी। बड़ा डी हो ये व्हील का डाया है और ये एक्सल का डाया हो गया। ठीक है, तो DD इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशो ऑफ सिंपल व्हील एंड एक्सल के केस में। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी लॉस इन फ्लो थ्रू द नोजल एज कंपेयर टू वेंचुरोमीटर। ठीक है, तो आपके जो नोजल में जो एनर्जी लॉस होते हैं
वो वेंचुरीमीटर कंपेयरिंग में कैसे होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं नोजल में। नोजल में आपके एनर्जी लॉस वेंचुरीमीटर की कंपेयरिंग में ज़्यादा होते हैं, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको पता है कि जो वेंचुरीमीटर है उसके द्वारा डिस्चार्ज को मापा जाता है, और नोजल के द्वारा जो है भाप की उष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदला जाता है, मतलब हीट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदला जाता है नोजल के द्वारा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शियर स्ट्रेस इन अ फ्लूड फ्लोइंग इन अ राउंड पाइप। ठीक है, तो राउंड पाइप के अंदर फ्लूड का फ्लो हो रहा है, तो वहाँ पर इसने पूछा है कि शियर स्ट्रेस किस प्रकार होंगे। तो राउंड पाइप मैं आपको दिखाता हूँ, एक राउंड पाइप है, इसके अंदर जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इस तरह से होता है, मतलब दो ट्राइंगल बनते हैं, और यहाँ पे शियर स्ट्रेस जो इसके सेंटर पे जीरो होता है और पेरिफेरी पर मैक्सिमम होता है, और लीनियरली बढ़ता जाता है इस प्रकार। ठीक है, लीनियरली आप देख रहे हैं इस तरह बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा वो यही है कि शियर स्ट्रेस इज जीरो एट द सेंटर एंड वेरीज लीनियरली विद द रेडियस। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है इसका वो करेक्ट हो जाएगा आपका, पढ़ सकते हैं आप सी ऑप्शन में, इज जीरो एट सेंटर एंड वेरी लीनियरली विद द रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेंटन डायग्राम इज अ प्लॉट ऑफ। ठीक है, तो स्टेंटन डायग्राम जो है किसके बीच में ये खींचा जाता है, तो ये खींचा जाता है आपके लॉग ऑफ फ्रैक्शन फैक्टर अगेंस्ट अ लॉग ऑफ रेनॉल्ड नंबर। डी ऑप्शन जो है ना इसका वो करेक्ट हो जाएगा, लॉग ऑफ फ्रैक्शन फैक्टर अगेंस्ट लॉग ऑफ रेनॉल्ड नंबर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट होगा, और ये क्वेश्चन आपके AEJEE एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप अच्छे से याद करें, स्टेंटन डायग्राम को किसके बीच में खींचा जाता है, स्टेंटन डायग्राम। रेनॉल्ड संख्या जो है उसका आपका पता हो, रेनॉल्ड संख्या से हम पता लगाते हैं कि कोई हमारा जो फ्लूड है, फ्लूड का जो फ्लो है वो हमारा लैमिनार है या टर्बुलेंट है, वो हमें पता चलता है रेनॉल्ड नंबर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन टोर्क इज अप्लाइड ऑन एनी शाफ्ट द वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस इज। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस क्या होगी जब टोर्क अप्लाइड हो रहा है शाफ्ट पर, तो ये होगी मैक्सिमम एट द सर्कमफेरेंस। जब शाफ्ट पर आपकी टोर्क लगता है, ठीक है, तो शियर ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट है और इस पर एक टोर्क लग रहा है, तो यहाँ पे जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आपका जो अभी मैंने बताया फ्लूइड के केस में होता है वो यहाँ पे होगा शाफ्ट में, इस तरह से होता है, जीरो एट द सेंटर और लीनियरली वेरी करता है और मैक्सिमम हो जाता है आपकी पेरीफेरी, या जो रेडियस होती है यहाँ पे पेरीफेरी पर इसका मैक्सिमम हो जाता है, सेंटर पर जीरो हो जाता है शियर स्ट्रेस और पेरीफेरी पर मैक्सिमम हो जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है आपका वो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, कि द मैक्सिमम एट सर्कमफेरेंस, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आइडल गैस एज कंपेयर टू रियल गैस एट वेरी हाई प्रेशर ऑक्यूपाइज। ठीक है, तो जो आइडल गैस है वो रियल गैस कंपेयरिंग में हाई प्रेशर पर मोर वॉल्यूम घेरती है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारी जो आदर्श गैस है वो रियल गैस कंपेयरिंग में हाई प्रेशर पर ज़्यादा वॉल्यूम हमारा घेरती है, तो इसका बी ऑप्शन इसलिए करेक्ट होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, AEEE हो या JEE हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसे याद कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वेशन दी गई है पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस वी इक्वल टू आर इज नोन एज, तो ये कौन सी इक्वेशन है, ये है आपकी वन डर वॉल इक्वेशन। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, इक्वेशन को एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है तो आपको ये इक्वेशन याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हीट इज इन थर्मोडाइनमिक्स। तो हीट क्या है, हीट और वर्क जो है आपके दो ये पाथ फंक्शन होते हैं, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्मोडाइनमिक्स में दो फंक्शन होते हैं, एक होता है पाथ फंक्शन, एक होता है पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन हमेशा पॉइंट पर ही डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट पर, उसी पॉइंट पर जहां पर वो है। पाथ फंक्शन अपने पूरे पाथ पर डिपेंड करता है कि किस पाथ से वो आ रहा है, और अपनी पास्ट हिस्ट्री पर भी वो डिपेंड करता है। पॉइंट फंक्शन वो होते हैं, जितनी भी थर्मोडाइनिक प्रॉपर्टी हैं हमारी वो सभी पॉइंट फंक्शन होते हैं, जैसे कि प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गया, ये सभी हमारे पॉइंट फंक्शन हैं। पाथ फंक्शन हमारे मेनली दो होते हैं, वो होता है एक तो हीट होता है और एक वर्क, जो हमारे मेनली यहाँ पे पूछे जाएंगे एग्जाम में वो दो ही होते हैं, हीट और वर्क मेनली हमारे पाथ फंक्शन है, पाथ पर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सर्टेन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस वैल्यू ऑफ एन इजिकल टू वन, तो प्रोसेस आपका कौन सा होगा। ठीक है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में अगर एन इजिकल टू वन है तो आपका कौन सा प्रोसेस होगा, ये इसने पूछा है।
तो आपको एन की सभी वैल्यू के लिए सारे प्रोसेस आपको बता देता हूँ। अगर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में एन इज इक्वल टू वन है तो आपका प्रोसेस आइसोथर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अब मैं एन की और वैल्यू के लिए भी आपको प्रोसेस बता दूँ, अगर एन इज इक्वल टू जीरो है तो आपका आइसोबेरिक प्रोसेस हो जाएगा, कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है, एन इज इक्वल टू जीरो के लिए। अब एन इज इक्वल टू गामा के लिए बात करते हैं, अगर एन इज इक्वल टू गामा या एन इज इक्वल टू 4.1.4 है तो आपका जो प्रोसेस है वो एडियाबेटिक हो जाएगा, ठीक है। अगर एन इज इक्वल टू इनफाइनाइट है तो आपका वो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट्स को भी आप अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सेंट्रिफ्यूगल पंप व्हेन डिलीवरी वाल्व इज फुल्ली क्लोज द प्रेशर ऑफ फ्लूड इनसाइड द पंप विल। जब आप सेंट्रिफ्यूगल पंप में डिलीवरी वाल्व को पूरा बंद कर देंगे तो प्रेशर उसके अंदर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। सेंट्रिफ्यूगल पंप की एफिशिएंसी काफ़ी अधिक होती है और इसके ब्लेड जो है वो पीछे की ओर झुके होते हैं, ठीक है, इसलिए इसकी एफिशिएंसी भी काफ़ी अच्छी होती है, अधिक होती है। तो इस क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द कॉन्स्टेंट वॉल्यूम साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड। तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम साइकिल हम जो बोलते हैं उसे बोलते हैं हम ओटो साइकिल को, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ जिससे आप सारी साइकिल के प्रोसेस याद कर सकते हैं, ठीक है। आपको लिखना है जे ए के जैक, और उसके नीचे लिखना है पी आर, ठीक है, जे के लिए पी आर, और इसके नीचे वी आर, और के नीचे, ये के है, इसके नीचे लिखना है टी आर। तो मतलब जे फॉर जूल साइकिल। जूल साइकिल में दो प्रोसेस होते हैं, दो कॉन्स्टेंट प्रेशर पी से होता है, दो कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस, और आर से होता है दो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है, ये जूल साइकिल के अंदर होते हैं। अब बात करते हैं ओटो साइकिल के अंदर, ठीक है। मैंने ओटो साइकिल को ए से लिखा है यहाँ पे। ओटो साइकिल के अंदर आपके दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है दो होते हैं इसमें कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, इसलिए वी लिखा है, और दो होते हैं रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, इसलिए आर लिखा है। केस होता है कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल में भी दो प्रोसेस होते हैं, दो होते हैं इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस, और दो होते हैं रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। तो इस प्रकार इनमें सब में दो दो प्रोसेस होते हैं, तो उनको मैंने पी आर वी आर टी आर और ऊपर जैक लिखकर बताया है। इस विधि से आप सभी के प्रोसेस को अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्स्टेंट वॉल्यूम साइकिल यहाँ पे ऑटो साइकिल को बोला गया है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज की वीडियो के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपके एनसीएल एग्जाम के लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और जितना अच्छा रेस्पॉन्स इस वीडियो पर आएगा नेक्स्ट वीडियो में उतने ही क्वेश्चन यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे। लगभग 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं अगर इस वीडियो पे अच्छा रेस्पॉन्स आता है तो, ठीक है।